सो हेलो इसके फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी ओनली 2022 हीरो ग्लैमर BS6 मॉडल का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बाइक को अराउंड 550 से 600 किलोमीटर ऑलरेडी चला दिया है और इसका सर्विस कंपनी बोलती है 500 से 750 किलोमीटर के बीच में है। तो इसका सर्विस भी अब होने ही वाला है, लेकिन अभी तक इस बाइक का सर्विस हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा कि सर्विस से पहले आपको एक प्रॉपर वीडियो दे दिया जाए 500 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू का, कि मुझे इस बाइक में क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ बुरा लगा। तो चलिए फुल डिटेल्स में सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, ये है अपनी ग्लैमर 2022 मॉडल, जिससे कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया था। तो सबसे पहले मैं आपको ओडोमीटर दिखा देता हूँ कि मैंने इस बाइक को कितना चला दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 680 किलोमीटर मैंने इस बाइक से कवर कर लिया है। तो 750 किलोमीटर पे, यानी कि 2-3 दिन के अंदर ही मैं इस बाइक का सर्विस भी कराने वाला हूँ, तो उसके ऊपर भी आपको एक प्रॉपर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैं इस बाइक से कितना हद तक संतुष्ट हूँ, क्योंकि दोस्तों आज किसी दूसरे से मुझे क्वेश्चन नहीं करना है, मुझे खुद से ही करना है, क्योंकि ये बाइक अपनी ही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं इस बाइक से मतलब कि काफ़ी हद तक, यानी कि 95% आउट ऑफ 100% मैं इस बाइक से संतुष्ट हूँ। तो एक दो कमी तो हर बाइक में होती हैं, जो कि आपको नॉर्मली पता होंगे, क्योंकि आप कितने भी फीचर लोडेड, कितनी भी मतलब कि वेल पैकेज एक बाइक ले लें, उसमें एक ना एक दो कमी रह ही जाती है। तो उसी चलते मैंने इस बाइक को 95% रेटिंग दिया आउट ऑफ 100%। तो मुझे ये बाइक काफ़ी हद तक पसंद है और ओवरऑल मुझे ये बाइक चलाने वगैरह में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन के बारे में ही। तो इसमें आपको पता होगा कि 125cc का इंजन आता है, जो कि दोस्तों अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा पावर निकाल लेता है। मुझे इस बाइक से काफ़ी अच्छा इनिशियल पिकअप और मिड रेंज देखने को मिल जाता है, जिसके चलते जब भी मैं इस बाइक को राइड करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा पावर का मतलब कि कोई भी कमी महसूस नहीं होता है। बाकी माइलेज के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों माइलेज के ऊपर मेरा भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया है, लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे देखा जाए तो माइलेज काफ़ी कम ही मिल रहा है, क्योंकि मैंने एक बार फुल टैंक कराया था तो उसके बाद जो है मैंने जोड़ घटाव किया, तो मुझे कोई खास ज़्यादा माइलेज देखने को नहीं मिला। वैसे भी दोस्तों इस बाइक का अभी तक एक भी सर्विस हुआ नहीं है, तो टाइम से मतलब कि एक दो सर्विस कराने के बाद इस बाइक का माइलेज बढ़ जाएगा। तो मुझे इंजन वाइज तो इस बाइक से कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। बाकी इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड भी हो गया एज़ कंपैरिजन टू BS4 मॉडल। तो BS4 मॉडल का इंजन थोड़ा बहुत मतलब कि उसमें रिफाइनमेंट का कमी था, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल जाता है। तो मैं इंजन से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। बाकी दोस्तों मेन बात करते हैं कि इस बाइक के सस्पेंशन कैसे काम करते हैं। तो इसके सस्पेंशन सिस्टम से भी मैं काफ़ी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे इस बाइक से जो कंफर्ट मिल रहा है अभी के टाइम पर, मुझे वो शायद ही किसी और बाइक में अभी तक मिला है। क्योंकि दोस्तों जब भी ये बाइक गड्ढे वगैरह में जाती है, ये बाइक काफ़ी अच्छे से उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, आपको बहुत कम ही मतलब कि झटका वगैरह देखने को मिल जाता है। तो मैं इसे सस्पेंशन सिस्टम से भी काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। बाकी दोस्तों मुझे इस बाइक में एक चीज़ और ही अच्छा लगता है कि इसमें आपको रियर में 100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों होंडा SP में ये चीज़ लैक करता है। तो आगे में 80 सेक्शन का और रियर में 100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा ग्रिप इस टायर से देखने को मिल जाता है। जब भी मैं मान लीजिए किसी सिचुएशन में हार्ड ब्रेकिंग करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक इस टायर से देखने को मिल जाता है। तो मुझे तो याद भी नहीं है कि अभी तक इस बाइक का टायर एक बार भी स्किड किया या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं हार्ड ब्रेकिंग करता हूँ, ये बाइक वहीं की वहीं रुक जाती है। साथ में दोस्तों इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, जिसके चलते इसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हो जाता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं फिट एंड फिनिश की। तो फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा मुझे इस बाइक में कमी लगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि ये जो फेयरिंग है, यदि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गैपिंग देखने को मिल जाता है, ये देखिए। और ये चीज़ ठीक भी नहीं हो पा रहा है। और जब मैंने इस बाइक को डिलीवरी लिया था, उस टाइम पर इसका जो ये वाला फेयरिंग है, ये टैंक और ये टैंक स्राउट का, इसमें भी थोड़ा सा गैपिंग था। तो एक दो जगह पर मतलब कि फिट एंड फिनिश में ये बाइक थोड़ा सा लैक करती है। तो इस जगह पर होंडा SP का जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब मुझे लगा, क्योंकि इसमें जो भी आपको पार्ट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं वो थोड़ा सा हैवी क्वालिटी के कंपनी ऑफर करती है एज़ कंपैरिजन टू हीरो ग्लैमर। बाकी दोस्तों उसके अलावा और कोई मुझे इस बाइक में दिक्कत नहीं देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। तो इस बाइक में आपको 180 mm का काफ़ी ह्यूज ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस टाइप के एरिया में, अगर आपका घर है, अगर आपका इस टाइप का एरिया में रनिंग होता है, तो आपके लिए बाइक बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों इसका 180 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, जो कि दोस्तों इंजन रोड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी दोस्तों बात कर लेते इसके मतलब कि हेडलैम्प के बारे में, इसका रिस्पॉन्स कैसा है नाइट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसके हेडलैम्प से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने एक बार होंडा SP125 रात में राइड किया था, तो मुझे उसका जो हेडलैम्प का जो ब्राइटनेस है वो उतना ज़्यादा लाजवाब नहीं लगा था, लेकिन इसको राइड करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। और इसका जो हाई बीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोड के ऊपर ही रहता है। कई कई बाइक्स में ऐसा होता है कि अगर आप उसका हाई बीम ऑन कर दें तो पता चलता है कि पेड़ के ऊपर मतलब उतना ऊपर लेवल तक रोशनी देता है, लेकिन इसके साथ वैसा नहीं है। इसका जो भी रोशनी है हाई बीम प्लस लो बीम,
दोनों आपको रोड के ऊपर ही देखने को मिल जाता है, जिससे दूसरे के आंख पे इसका लाइट नहीं छुपता है और आपको काफ़ी अच्छा रोड के ऊपर लाइट देखने को मिल जाता है। उसके बाद आते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में। तो इसका मीटर कंसोल काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा वैसे कि TVS Raider इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड है मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो, और उसके बाद हीरो ग्लैमर एक्सटेक आता है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि RPM मीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है, एवरेज भी शो होता है, करंट एवरेज, उसको आपको उसके बाद आपको इको मोड भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इस बाइक में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स तो इतने सारे हैं कि आप रेगुलर यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। और मेन सीट के बारे में दोस्तों बात करते हैं, तो उसका सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल प्लस काफ़ी ज़्यादा वाइडर है, जिससे हम तीन लोग काफ़ी कंफर्टेबली इस बाइक से राइड कर पाते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप तीन लोग इस बाइक से राइड करें, वैसे अगर इमरजेंसी पड़े तो आप लोग कर भी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने तो इस बाइक की अच्छाइयों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर लिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ बुराइयों के बारे में। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बाइक को ज़्यादा किलोमीटर तो चलाया है नहीं, 500 से 600 किलोमीटर ही बस मैंने इस बाइक को चलाया है, तो अभी तक मुझे इस बाइक में कोई भी ऐसी मतलब कि प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो हो सकता है कि टाइम टू टाइम मतलब कि कुछ किलोमीटर चलाने के बाद 1000, 2000, 5000 उसके बाद मुझे इस बाइक में अगर कुछ ऐसा लगता है तो मैं आपको प्रॉपर एक ओनर से वीडियो बना के सामने दिखा दूंगा। बाकी दोस्तों जल्दी आपको इस बाइक के ऊपर, मान लीजिए जब ये बाइक 1000 किलोमीटर चल जाएगी उसके बाद आपको एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू वीडियो देखने को मिल जाएगा चैनल के ऊपर हमारी जल्दी। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा ओनरशिप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ।